दिल्ली में पानी की जल्द ही भारी किल्लत हो सकती है, ये आशंका मैं नहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जता रही हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने ही ये आशंका जताई है कि दिल्ली में जल्द ही पानी की भारी किल्लत हो सकती है। आतिशी का कहना है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के कहने पर दिल्ली के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आशीष चंद्र वर्मा, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोक लिया है, जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड के पास में सैलरी और दूसरे कामों के भी पैसे नहीं रह गए हैं। और जो ठेकेदार हैं वो कई महीनों से, क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए अब वो ये धमकी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब आगे वो काम नहीं करेंगे, काम रोक देंगे, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर पानी की तो भारी किल्लत हो ही सकती है, गंदे पानी की सप्लाई की समस्या आ सकती है और सीवर ओवरफ्लो का भी जो है संकट दिल्ली के अंदर आ सकता है। और आतिशी का ये कहना है कि ये एक इमरजेंसी जैसे हालात हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। और अगस्त से कहा जा रहा है कि अगस्त महीने से जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने वित्त यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो आतिशी खुद हैं, वित्त मंत्री के कहने के बावजूद भी जो दिल्ली जल बोर्ड के फंड्स थे वो रिलीज नहीं किए हैं। इसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड एक संकट के बीच में खड़ा हुआ है, पेमेंट वो नहीं कर पा रहा है। और क्योंकि जब दिल्ली जल बोर्ड सैलरी नहीं दे पा रहा है और दूसरे कामों रूटीन कामों के लिए भी जल बोर्ड के पास पैसे नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ठेकेदार हैं वो काम करने से मना करेंगे ही, और जब ठेकेदार काम नहीं करेंगे तो दिल्ली के अंदर जल संकट जो है वो आ सकता है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।